हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग जीके और करंट अफेयर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। मैथ्स रीजनिंग के लिए एक अलग चैनल क्रिएट किया गया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसे मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जाता है ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, प्लस अगर आपको कुछ डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया कार्टोसैट 3 सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया गया? आपके सामने चार ऑप्शन है, चांदीपुर, व्हीलर द्वीप, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या इसरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही न्यूज़ में था। चिनूक हेलीकॉप्टर भारत को किस देश की कंपनी से प्राप्त हुआ है? देयर इज़ 4 ऑप्शन गिवन, चाइना, जापान, अमेरिका या ब्राज़ील। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन। जापान की है टोक्यो। ब्राज़ील की है ब्रासिलिया। और चाइना की है शी जिनपिंग। चाइना का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शंघाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो पड़ोसी देशों ने अप्रैल 2019 में अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल और श्रीलंका। बात की जाए नेपाल की तो कैपिटल है काठमांडू। श्रीलंका की दो कैपिटल है, एक है कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो और एक है श्री जयवर्धन पूरे कोटे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रावण वन किस देश का उपग्रह है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या अमेरिका। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। रावण वन किस देश का उपग्रह है? श्रीलंका का। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। अगर आप अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। एक में 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया, एक में 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, तो सभी क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है, नेपाल के पहले सैटेलाइट का नाम क्या है? तो ये है नेपाली सैट 1। ऑप्शन सी इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने किस प्रोब से 2024 तक मानव को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? देयर इज़ 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ब्लू मून। ठीक है, याद रखिएगा अमेजॉन की अंतरिक्ष कंपनी का नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। ठीक है, मंगल ग्रह के बाद अब किस ग्रह पर वैज्ञानिकों ने जीवन की संभावना की तलाश शुरू कर दी है? तो यह है बृहस्पति। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? है वो है जुपिटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। मंगल ग्रह के बाद अब बृहस्पति ग्रह पर वैज्ञानिकों ने जीवन की संभावना की तलाश शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया गया? क्योंकि ये दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर है तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस, जिसकी कैपिटल है मॉस्को। ठीक है, रशिया। जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया, आपको एक चीज़ और याद कर लेनी है जीके का, जो कि हमेशा ही पूछा जाता है क्वेश्चन उससे, सोलर सिस्टम में सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है? ये है मरकरी। मरकरी के बाद आता है वीनस। ठीक है, ये आपको याद कर लेना, मरकरी। ठीक है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाली ब्लड टेस्ट डिवाइस विकसित की है? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज आईआईटी खड़गपुर। हाल ही में भारत का पहला टाइम बैंक स्थापित करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? क्योंकि ये भारत का पहला टाइम बैंक है तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का सेंट्रल स्टेट, भारत का दिल कहा जाने वाला राज्य मध्य प्रदेश, जिसकी कैपिटल है भोपाल। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हेल्थ बैंक एटीएम किसने लॉन्च किया? हाल ही में भारत का पहला हेल्थ बैंक एटीएम किसने लॉन्च किया? तो ये है लखनऊ, क्योंकि ये भारत का पहला हेल्थ बैंक एटीएम है तो आपको पता है क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा
करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन पर आता है। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला फन जोन रेलवे स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है विशाखापट्टनम में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर का निर्माण किस आईआईटी के द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा आईआईटी मद्रास। ठीक है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा घोषणा की गई कि प्रतिमा व्यक्ति 15 GB डाटा मुफ्त दिया जाएगा? दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, गुजरात सरकार या जम्मू सरकार? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन आपराधिक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वचालित बहु मॉडल बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली AMBIS को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? क्योंकि ये भारत का पहला राज्य है तो क्वेश्चन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। हालांकि आपको पता है बट एक बार रिवाइज कर लीजिए, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और ये काजू के उत्पादन में और प्याज के उत्पादन में नंबर वन पर है। ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। केरल के तिरुवनंतपुरम और केरल में नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे बोट रेसिंग भी होती है। तिरुवनंतपुरम है केरल की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने 3D हार्ट प्रिंटिंग की घोषणा की है? न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जापान? एंड द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। ठीक है, वॉशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका। न्यूजीलैंड की है वेलिंगटन और ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा, जापान की है टोक्यो। ठीक है, हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों ने 3D हार्ट प्रिंटिंग की घोषणा की है? तो ये है अमेरिका। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण एवं मैपिंग के लिए ड्रोन से सर्वे किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जो कि मैंने आपसे कल डिस्कस किया था, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टि बाधित लोगों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? विजन, दृष्टि, रोशनी या खुशहाली? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोशनी। ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, रोशनी किससे संबंधित होती है? आंखों से। ठीक है, तो हाल ही में दृष्टि बाधित लोगों के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है ये है रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? एंड द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर किस IIT के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये है IIT मद्रास। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर संचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया संपन्न नामक सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? बुजुर्गों से, अमीरों से, पेंशनरों से या खाता धारकों से? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पेंशनरों से। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कहाँ पर? ये किया गया है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केयर फॉर यू ऐप किस IIT के द्वारा विकसित किया गया? IIT बेंगलुरु, खड़गपुर, IIT मद्रास या इंदौर? एंड द करेक्ट आंसर इज IIT खड़गपुर के द्वारा केयर फॉर यू ऐप ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार मोबाइल के माध्यम से जनगणना कब की जाएगी? बहुत ही न्यूज़ में है क्वेश्चन, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो पहली बार मोबाइल के माध्यम से जनगणना कब की जाएगी? तो ये की जाएगी 2021। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 2021। क्वेश्चन है, हाल ही में 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा सफल एंटी टैंक सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? चांदीपुर, USA, APJ अब्दुल कलाम द्वीप या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, तो 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा सफल एंटी टैंक सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। मैंने कहा था लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है?
आभार, बदलाव, सुकन्या या लक्ष्मी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नया चैनल है मैथ्स और रीजनिंग के लिए, उसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो है इसका क्वेश्चन को जो मैंने पूछा है आपसे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।